हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो तुगलक वंश था उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि जूना खां जो था वो किस नाम से गद्दी पर बैठा या सिंहासन पर बैठा। तो किस नाम से बैठा? मोहम्मद तुगलक के नाम से बैठा। किस नाम से बैठा? मोहम्मद तुगलक के नाम से बैठा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सैयद वंश है, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। ठीक है, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैयद वंश की। किसकी? सैयद वंश की। अब आपने देखा था कि जो तुगलक वंश, ठीक है, करमदेव तुगलक का पड़ा, और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसे तैमूर लंग ने क्या किया? आक्रमण करके हरा दिया। अब तैमूर लंग ने क्या किया? दिल्ली को जीत कर अपना वहां पर एक उत्तराधिकारी, या हम कह सकते हैं कि अपना एक राजा उसने नियुक्त कर दिया, और उसका नाम था खिजर खान। क्या नाम था? खिजर खान। पहले क्या किया? सबसे पहले देखो, तैमूर लंग ने, किसने? तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया, और शासन स्थापित करके किसको बैठा दिया? खिजर खान को। किसको बैठा दिया? खिजर खान को। और कब बैठा दिया? 1414 ईस्वी में। कब बैठा दिया? 1414 ईस्वी में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं खिजर खान की। किसके बारे में? खिजर खान के बारे में। अब देखो, खिजर खान जो था वो सबसे पहले गद्दी पर कब बैठता है? 1414। और ये कब तक रहा? 1421 में। अब 1421 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। 1414 में ये हालांकि गद्दी पर बैठा, और 1421 तक हालांकि ये शासक रहा, लेकिन न तो इसने किसी कोई मान लो शाह की पदवी धारण की, और न ही अपने नाम के इसने सिक्के चलाए। इसने? खिजर खान ने। तो इसकी क्या बात आती है कि न तो शाह की उपाधि धारण की, शाह बना, उपाधि है ये, ठीक है, शाह की उपाधि धारण की, नहीं इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, ये बात किसके बारे में आती है? खिजर खान के बारे में। किसके बारे में आती है? खिजर खान के बारे में। अब इसके बाद में जो अगला शासक बना, इसकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बना वो कौन बना? मुबारक शाह। कौन बना? मुबारक शाह। अब इसने क्या किया? ये गद्दी पर बैठा 1421 ईस्वी में, और 1434 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में एक बात आती है कि इसने एक उपाधि धारण की, उपाधि का नाम था सर्वशाह। क्या नाम था? सर्वशाह की इसने उपाधि धारण की। किसने? मुबारक शाह ने। किसने? मुबारक शाह ने। ठीक है, और अब देखो सैयद वंश का अंतिम शासक आता है, जो हम कह सकते हैं कि उस समय एक इसका जो अंतिम शासक था वो था आलम शाह। कौन था? आलम। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। कौन था? आलम शाह। अब आलम शाह ने क्या किया? स्वेच्छापूर्वक इसने क्या कर दिया? जो अपना शासन था वो त्याग दिया। क्या कर दिया? स्वेच्छापूर्वक इसने अपना शासन को, इसने शासन को इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। अब इसके शासन त्यागने के बाद में सबसे पहले जन्म होता है लोदी वंश का। किस वंश का होता है? लोदी वंश का। और लोदी वंश 1451 से, अपनी बुक के अनुसार आप 1426 मान सकते हैं, ठीक है, 1451 से आप 1426 पानीपत की, ये 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक आप मान सकते हो। तो लोदी वंश की स्थापना होगी। किसकी होगी? लोदी वंश की स्थापना होगी। अब क्या होता है, इसका जो अंतिम शासक आलम शाह ने जैसे ही सिंहासन त्यागा, तो जो प्रथम अफगान था, ठीक है, तुर्कों के बाद में, ये भी याद रखना, तुर्कों के बाद में ये क्या था? प्रथम यानी फर्स्ट अफगान था। क्या था? फर्स्ट अफगान था। इसने क्या किया? सन 1451 में, कब? 1451 में इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और सर्वप्रथम लोदी वंश की स्थापना कर दी। लोदी वंश के प्रारंभकर्ता, स्थापनाकर्ता बहलोल लोदी। कौन हो गए? बहलोल लोदी। ठीक है, अब बहलोल लोदी देखिए इसके बारे में क्या आता है। इसने क्या किया? जौनपुर के मध्य, या जौनपुर महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार को इसने क्या किया? असफल कर दिया। ठीक है, तो जौनपुर पर जो मोहम्मद शाह जौनपुर में क्या किया, जो इसके सिंहासन में, ये इसके राज्य में आता था, उसमें जो मोहम्मद शाह सरकी था, मोहम्मद शाह सरकी, इसने क्या किया? इस पर अधिकार करने के लिए इसने युद्ध या आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद शाह सरकी ने। इस पर? बहलोल लोदी के जौनपुर पर। ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया? असफल कर दिया। क्या कर दिया?
असफल कर दिया। किसने? बहलोल लोधी ने। किसने कर दिया? बहलोल लोधी ने। हालांकि इसने लगभग हम कह सकते हैं कि 38 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 38 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, 38 वर्ष तक शासन किया। और अंत में 1489 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु, ठीक है। तो बहलोल लोधी सबसे पहले 1451 ईस्वी में शासक बना, फर्स्ट अफगान था ये, तुर्कों के बाद में। किनके बाद में था? तुर्कों के बाद में ये पहला अफगान था। इसने क्या किया? जौनपुर पर एक मोहम्मद शाह सरकी ने आक्रमण करने का प्रयास किया, इसको अपने हथियाने का प्रयास किया, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया? असफल कर दिया। किसने? बहलोल लोधी ने। किसने कर दिया? बहलोल लोधी ने। इसके अलावा इसको इसने लगभग 38 वर्ष तक शासन किया और 1489 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में इसका अगला जो दूसरा इनका पुत्र था, ठीक है, हालांकि पुत्र तो था लेकिन कौन सा था? दूसरा पुत्र, दूसरा पुत्र कौन बैठा? निजाम शाह। कौन बैठा? निजाम शाह। और ये किस पदवी से बैठा? सिकंदर शाह की पदवी से बैठा। किस शाह की? सिकंदर शाह की पदवी से निजाम शाह शासक बना 1489, जब इसकी मृत्यु हुई 1489, ठीक है, और 1517 ईस्वी तक ये शासक रहा। देखो इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि ये एक नई पदवी जिसे हम कह सकते हैं गुलरू खां। क्या कह सकते हैं? गुलरू खां की नई पदवी से ये इसने धारण की, और इसी नाम से ये कविता भी लिखता था। क्या करता था? कविता लिखता था। किस नाम से? गुलरू खां के नाम से ये क्या करता था? निजाम शाह या सिकंदर शाह, ये कविता भी इसमें क्या किया करता था? लिखा करता था। अब इसके बारे में सबसे प्रसिद्ध बात क्या आती है कि इसने न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार इसका प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे पहले हम कह सकते हैं न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार, राजस्व सुधार इसका क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात, न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार के लिए जाने जाते हैं कौन है? सिकंदर शाह। कौन जाने जाते हैं? सिकंदर शाह। इसने क्या किया? जो भूमि का जो नाप है, ठीक है, भूमि का नाप इसने निश्चित कर दिया। भूमि का नाप इसने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। और निश्चित करके भूमि के आधार पर ही जो भूमिकर होता है वो निश्चित इसने कर दिया। भूमिकर भी क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। इसने किसने कर दिया? निजाम शाह या सिकंदर शाह ने, ठीक है। और इसी के साथ देखो, भूमि जो नाप की एक पदवी इसने, या हम कह सकते हैं कि एक गज चलाया, ठीक है, इसने एक गज चलाया, गज प्रारंभ किया, जो क्या कितना होता था? 30 इंच का होता था। कितने इंच का होता था? 30 इंच का होता था, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सिकंदरी गज। किस नाम से पुकारा गया है? सिकंदरी गज के नाम से। कई लंबे समय तक ये लागू रहा, ठीक है, लंबे समय तक ये रहा, ठीक है। अब आप याद कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि सिकंदरी गज किसके द्वारा चला गया? सिकंदर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर शाह के द्वारा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, निजाम शाह सिकंदर शाह के पदवी से बैठा, तो दोनों भूमि नाप और गज, सिकंदरी गज, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसने आगरा, आगरा नगर की स्थापना की। किसकी की? आगरा नगर 1506, ठीक है, 1506 ईस्वी में इसने क्या किया? आगरा नगर की स्थापना कर दी। किसकी कर दी? आगरा नगर की स्थापना कर दी। और किसके लिए? इसने इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर, ठीक है, ये याद रखना, इटावा, बयाना, कोल, धौलपुर आदि को, आदि को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए इसने क्या कर दिया? आगरा नगर की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब प्रश्न आ सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? सिकंदर शाह ने। किसने कर दी? सिकंदर शाह ने आगरा की स्थापना कर दी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, इतना ही हमें मिलता है। फिर इसके बाद में इसका पुत्र, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन बना? निजाम शाह का पुत्र कौन बैठा गद्दी पर? यानी इसके बाद में इसकी क्या हो जाती है? 1517 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक है। 1517 में मृत्यु होने के बाद में अगला जो शासक बना वो कौन बना? इब्राहिम लोधी। कौन बना? इब्राहिम लोधी। इसके बारे में आप काफी ज्यादा जानते हैं, इब्राहिम लोधी के प्रमुख रूप से, हालांकि इन्होंने युद्ध तो कई किए, लेकिन इनके प्रमुख रूप से दो युद्धों के बारे में आप जानते हैं। पहला युद्ध इनका जो बाबर वासे, सॉरी
इब्राहिम लोदी वर्षे राणा सांगा के मध्य हुआ था, जो 1517 या 1518 के मध्य हुआ माना जाता है। ठीक है, 1517 भी माना जाता है, 1518 भी माना जाता है, अपनी बुक में 1517-18 दे रखा है, वैसे 1517 में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रथम युद्ध हुआ था इनमें, जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, हार हो गई। क्या हो गई, हार हो गई। इसके बाद में इसने दूसरा एक और निर्णायक युद्ध जीता, ये लड़ा किससे, इब्राहिम लोदी ने किससे लड़ा, जो मोहम्मद बाबर था, ठीक है, तैमूर मोहम्मद बाबर था, उससे इसने क्या किया, युद्ध किया, और वो युद्ध था पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो इसके मूल रूप से अगर देखिए तो 1517 में शासक बना, 1517 में शासक बनते इसने क्या, 1718 में इसने एक युद्ध लड़ा, कौन सा, राणा सांगा वर्सेज लोदी। आप लोदी का मतलब इब्राहिम लोदी कर ले, इब्राहिम लोदी, ये युद्ध इसने लड़ा, कौन, किसने, इब्राहिम लोदी ने, किसने लड़ा, इब्राहिम लोदी में। इस युद्ध में क्या है, क्या हो गया, लोदी की तो क्या हो गई, हार, और राणा सांगा क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, इसके बाद में कुछ समय बाद में जो तैमूर शासक, ठीक है, तैमूर वंश की पांचवी पीढ़ी से एवं मंगोल योद्धा चंगेज खां की मातृपक्ष के हिसाब से चौथी पीढ़ी से एक शासक आया, कौन, बाबर। कौन आया, बाबर। और बाबर ने किससे युद्ध किया, इब्राहिम लोदी से। हम कह सकते हैं बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, युद्ध कौन सा था, पानीपत का प्रथम, पानीपत फर्स्ट लड़ाई। ठीक है, कब हुआ, 1526 ईस्वी में, कब हुआ, 1526 ईस्वी में। इसमें भी क्या हुआ, इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया। कौन हार गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और कौन जीता, कौन जीता, बाबर इसमें जीत गया। कौन जीत गया, बाबर की इसमें क्या हो गई, जीत हो गई। इसी से दिल्ली जो था, दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना हो गई, जिसका नाम था मुगल। ठीक है, जो वंश कौन सा था, मुगल वंश की इसमें स्थापना हो जाती। तो ये अपना हो गया कौन सा, लोदी वंश। कौन सा हो गया, लोदी वंश। ठीक है, आज हमने दो वंशों के बारे में विस्तार से चर्चा की, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। आगे हम इसके अलावा एक और वंश के, सॉरी, दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। यहां से किसकी स्थापना हो जाती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन अब तक, ठीक है, अब तक जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें किन किन का जो प्रशासनिक जो ढांचा था वो किस प्रकार का था, उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा पहले प्रश्न सुनिए कि सबसे जो प्रथम बात है कि निजाम शाह, ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, निजाम शाह ने, निजाम शाह स्वयं किस नाम से, ठीक है, किस नाम से कविता लिखा करता था, निजाम शाह किस नाम से कविता लिखता था। निजाम शाह मान लो या सिकंदर शाह, ठीक है, क्योंकि उसकी पदवी थी, तो निजाम शाह या सिकंदर शाह किस नाम से कविता लिखा करता था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए देना चाहिए था वीडियो के पहले, लेकिन अभी अभी आप सुन लें, आपका प्रत्येक शनिवार को टेस्ट कंफर्म है एसएसटी का, अतः कल भी आपका एक टेस्ट अरेंज किया जाएगा, कल शाम 8 पीएम अर्थात तो शाम 8 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, अपने ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मिल जाएगा, और वीडियो में भी आपको बकायदा आपको ये जो बिल्कुल 8 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी रखिए। और इस टेस्ट में देखो, आपने पिछले वीडियो में जो पाठ संख्या 1 था उसके 1 से लेकर 10 वीडियो तक आपको दिया हुआ था, अब आपके पाठ संख्या 1 के पार्ट्स वही है, पाठ संख्या 1 उसके 11 से लेकर अन्य जो वीडियो है 17-18 के आसपास हैं, 11 से लेकर 17-18 तक जो वीडियोज हैं उनका आपका टेस्ट इसमें लगेगा, उसमें प्रश्न पूछे जाने उसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, बिल्कुल 1 नंबर और आपके 2 नंबर के, या हम के इसमें अगर कुछ चेंज करें फेर बदल करेंगे तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 4 कर दिए जाएंगे और उनके नंबर 3-3 अंक कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूं आप उन वीडियोस को दोबारा देखेंगे और उनकी तैयारी रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।